वर्कशीट 5 क्वेश्चन 6 वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। हमें क्यूब का वॉल्यूम गिवन है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने से पहले हम क्यूब वॉल्यूम से साइड निकालेंगे। सबसे पहले हमने ली लेट साइड ऑफ क्यूब बी एक्स, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो साइड हमने ली है एक्स, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1000, एक्स इज इक्वल टू क्यूब जो है एलएचएस से आरएचएस में आएगा तो क्यूब रूट बन जाएगा। 1000 का क्यूब रूट किया हमने तो एक्स इक्वल टू साइड आएगी 10। मैं आपको साइड में कैलकुलेट करके दिखाती हूँ क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर की हमने 1000 के 125 क्यूब रूट में हम 3-3 के पेयर्स निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में हम 2 के पेयर बनाते हैं। तो 25 जब 2 मल्टीप्लाई 5 25 जब 10, 1000 का क्यूब रूट आया 10, साइड हमारे पास 10 आ गई। फिर हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 ए स्क्वायर 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमारे पास 10, इट मीन्स 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। हाउ मेनी प्लैंक्स ईच ऑफ विच इज 2 मीटर लॉन्ग 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 4 सेंटीमीटर थिक कैन बी कट ऑफ फ्रॉम अ वुडन ब्लॉक 6 मीटर लॉन्ग 15 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 40 सेंटीमीटर थिक। सबसे पहले हमने लिखा डायमेंशन ऑफ अ प्लैंक, लेंथ हमें गिवन है 2 मीटर लॉन्ग, हमने सेंटीमीटर में बदल लिया 200 सेंटीमीटर, ब्रॉड है 2.5 सेंटीमीटर, थिकनेस को हम h कंसीडर करेंगे, थिकनेस इज 4, तो h हमारी आई 4 सेंटीमीटर। हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, L V H 200 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर क्यूब। आगे हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक, डायमेंशंस हैं डायमेंशन ऑफ वुडन ब्लॉक, लेंथ गिवन है 6 मीटर, हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया 600 सेंटीमीटर, ब्रॉड 15 सेंटीमीटर, थिकनेस हाइट 40 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ वुडन प्लैंक वॉल्यूम वुडन ब्लॉक LVH 600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ प्लैंक्स कैन बी फॉर्म्ड, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच प्लैंक। वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक 600 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय ईच वुडन ब्लॉक 200 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 4। यहाँ से डेसिमल हटा दिया, एक एक बार डेसिमल है, हमने एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करी, फोर से ये वाला फोर कैंसिल करा, टू से
600 कैंसिल किया, 300 आया, 5 3 जा 5 5 जा 5 6 जा 30, 16 2 3 180, 180 लाइन कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस वुडन ब्लॉक। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 8। थ्री सॉलिड मेटल्स क्यूब विद एजेस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टुगेदर एंड फॉर्म इनटू अ सिंगल क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। तीन क्यूब्स हैं जिनके एजेस हमें गिवन है, इनको मेल्ट करके एक नया सिंगल क्यूब बनाया, उसकी वॉल्यूम हमें फाइंड करनी है। तो हमें इन तीनों जो क्यूब्स हैं उनकी वॉल्यूम को ऐड करेंगे और इन तीनों की वॉल्यूम मिलाकर ऐड करके जो नया क्यूब है उसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमने निकाली वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इसको टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। फर्स्ट क्यूब की वॉल्यूम आई 6 का क्यूब, सेकंड की साइड है 8 मींस 8 का क्यूब, थर्ड की 10 10 का क्यूब इसको टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड हमने ली 8 तो 8 का 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू ए क्यूब एंड द वॉल्यूम ऑफ अ न्यू क्यूब विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 216 512 प्लस 1000 1728 सेंटीमीटर क्यूब। सपोज हमें इसमें साइड निकालने के लिए भी कहा होता, क्योंकि हमें सिर्फ इसमें नई क्यूब की वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है, अगर हमें साइड के लिए भी कहा होता तो आगे हम इसका क्यूब रूट कर देते, 1728 का क्यूब रूट करते अगर हमें साइड पूछी होती, तो साइड इसको टू होती फिर 1728 क्यूब रूट ऑफ 1728, पर हमें सिर्फ वॉल्यूम निकालने के लिए कहा है तो हमने इतना निकाला। लेकिन अगर बाय चांस क्वेश्चन में आगे ऐड किया जाए साइड निकालने के लिए तो आप 1728 का क्यूब रूट करें। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हूज सरफेस एरिया इज 150 स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया पहले हमने साइड ले ली, लेट वन साइड ऑफ अ क्यूब बी ए। अब सरफेस एरिया होता है हमारे पास 6 स्क्वायर, ए मीन साइड, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 150 मीटर, 150 मीटर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 150 अपॉन 6 एंड ए इज इक्वल टू 6 टू 2 12 6 5 30 एंड ए अंडर रूट 25 5, तो हमारे पास साइड आई 5 मीटर। आगे हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब ए का क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5 इट मींस 125 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब वन फेस ऑफ विच हैज एन एरिया ऑफ 81 स्क्वायर मीटर। हमें क्यूब दिया है, हमें मालूम है क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती है, वन साइड वन फेस का एरिया गिवन है 81 स्क्वायर मीटर, वन फेस एरिया, एरिया ऑफ वन फेस ऑफ अ क्यूब इज 81 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन फेस साइड इनटू साइड, साइड हमने ली ए, ए मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 81, ए स्क्वायर 81 और ए आया हमारे पास अंडर रूट 81 कैलकुलेट हुआ 9 मीटर मीन्स साइड आ गई हमें 1 मीटर। तो वॉल्यूम आगे हम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ऑफ अ क्यूब साइड का क्यूब, साइड हमने निकाली 9 9 9 9 9 का क्यूब 729 मीटर क्यूब। एक्सरसाइज कंप्लीट।